पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य हुआ शुरू। सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महावीर टीबीएम का बटन दबाकर अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण का कार्य का किया शुभारंभ। मोइनुल हक स्टेडियम से जमीन के अंदर जाने वाला टीबीएम 5 महीने बाद पटना विश्वविद्यालय के पास निकलेगा। यह मिट्टी काटने के साथ कंक्रीट और सीमेंट का टनल भी बनाएगा। पटना में 2026 से 2027 तक दौड़ने लगेगी मेट्रो। सीएम नीतीश कुमार ने मेट्रो के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। नालंदा पुलिस ने हिंसा कराने वाले आरोपियों के घर शुरू की कुर्की। कुर्की होते ही 3 ने किया सरेंडर। नालंदा में बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन कुमार ने कुर्की की जब्ती की कार्रवाई के बीच किया सरेंडर। 11 आरोपियों के घर पर रात को चिपकाया गया था इश्तेहार। अहले सुबह शनिवार को पुलिस ने सभी आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती कर दी शुरू। नौ फरार आरोपियों की घर की जा रही है कुर्की। 3 आरोपियों ने कुर्की के डर से किया सरेंडर। पुलिस के डर से भाग रहे शराब कारोबारियों ने होमगार्ड के जवान को रौंदा। 2 तस्कर अरेस्ट। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र का मामला, जहां शराब लेकर भाग रहे तस्करों ने होमगार्ड जवान को रौंदा। हालत गंभीर, बेहतर उपचार के लिए सिल्लीगुड़ी किया गया रेफर। मोतिहारी में 5 लाख की संपत्ति जलकर राख, सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। सीओ ने कहा मिलेगा मुआवजा। आग लगने से 2 घर जल के हुए राख, मोतिहारी के थाना क्षेत्र के मंगलापुर की घटना। गैस रिसाव के कारण लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोरोना के केस बढ़े तो जागी सरकार, अब होगी संसाधनों की पड़ताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऑनलाइन बैठक में कोरोना के मामले को हल्के में नहीं लेने की दी सलाह। साथ ही 10 से 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के संबंध में मॉक ड्रिल करने का दिया निर्देश। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अपने संसाधनों की पड़ताल कर दी है शुरू। विशेषकर विषम परिस्थिति में अस्पताल प्रशासन कोरोना से निपटने में सक्षम है या नहीं, इसकी की जाएगी जांच।